जी, पौष पूर्णिमा का पर्व है और आज से माघ मास प्रारंभ हुआ है। कल्पवासी विगत दो दिन से लगातार माघ मेले क्षेत्र में आ रहे थे और अपने कैंप और शिविरों में व्यवस्थापित हो रहे थे। प्रातःकाल से कल्पवासी और अन्य स्नानार्थी संगम तट पर और विभिन्न स्नान घाटों पर प्रातःकाल से आप देख रहे हैं कि शीतलहर और घना कोहरा होने के बावजूद आकर लगातार स्नान कर रहे हैं। एक व्यापक सुरक्षा योजना के तहत सारी व्यवस्थाएँ सुनिश्चित की गई हैं। माघ मेले क्षेत्र में सुगम आवागमन देने के उद्देश्य से चाहे वो अयोध्या से साधु संत आ रहे हों या अन्य तीर्थयात्री यहाँ पर आ रहे हों संगम राज में, तो उसको सुगम आवागमन देने के लिए हम लोगों ने माघ मेले क्षेत्र में पार्किंग की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं, जिससे श्रद्धालुओं को कम से कम पैदल चलना पड़े। जल में सुरक्षित स्नान देने के लिए डीप वाटर बैरिकेटिंग, जाल का व्यवस्थापन संगम घाट पर और सभी अन्य स्नान घाटों पर सुनिश्चित किया गया है। उसके साथ साथ जाल और डीप वाटर बैरिकेटिंग के साथ साथ फ्लड कंपनीज के जवान जो कुशल तैराक होते हैं उनका व्यवस्थापन किया गया है। जल पुलिस के लोग लगाए गए हैं, प्रशिक्षित गोताखोरों की नियुक्ति की गई है। साथ ही साथ जल में एक पुलिस फ्लोटिंग पुलिस चौकी की भी स्थापना की गई है, जिसमें राजपत्रित स्तर के अधिकारी लगातार मौजूद होकर नजर रख रहे हैं। SDRF और NDRF की टीम भी रेस्क्यू पर्पज से जल में मौजूद है। इस माघ मेले क्षेत्र में CCTV कैमरों के माध्यम से भी लगातार हम लोग नज़र रख रहे हैं और आवश्यकता अनुसार ड्रोन का प्रयोग भी कर रहे हैं। सर, अब तक लगभग कितने श्रद्धालु? एक मोटे अनुमान के तौर पर 2 लाख से अधिक श्रद्धालु संगम घाट पर और अन्य स्नान घाटों पर आकर स्नान कर चुके हैं। ठीक है, थैंक यू।